अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? ठीक है। चैप्टर नंबर 8, एक्सरसाइज 8.2, क्वेश्चन नंबर 9। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। अरुण बॉर्ड ए पेयर ऑफ स्केट्स एट ए सेल ऑफ एट ए सेल। अरुण क्या कर रहा है? स्केटिंग की एक जोड़ा ले रहे, एक सेल उसका, उसपे सेल पड़ा हुआ था, ठीक है। वेयर द डिस्काउंट गिवन बाय 20%, और वहां पर सेल पड़ा हुआ था और डिस्काउंट, जिसका डिस्काउंट था 20%। इफ द अमाउंट ही पेस इज रुपीज 1600, अगर वो डिस्काउंट होने के बाद, अगर डिस्काउंट के बाद अगर अरुण स्केट्स के लिए 1600 रुपया देते हैं, फाइंड द मार्क प्राइस, आपको मार्क प्राइस निकालना है, ठीक है। यानी कि डिस्काउंट से पहले उस स्केट्स का, पेयर ऑफ स्केट्स का जो प्राइस था वो हमने निकालना है, ठीक है। चलो इसको करने के लिए से देखेंगे सॉल्यूशन। लेट द मार्क प्राइस इक्वल टू एक्स, हम मार्क प्राइस को क्या रखेंगे, एक्स रखेंगे, ठीक है। डिस्काउंट कितना दिया हुआ बेटा? डिस्काउंट 20% ऑफ एक्स मीन्स 20/100 इंटू एक्स, 20x/100, ठीक है। इतना डिस्काउंट है, डिस्काउंट होगा, अच्छा मार्क प्राइस पहले इतना था, डिस्काउंट इतना है, तो डिस्काउंट के बाद प्राइस कितना बनेगा? सो द प्राइस आफ्टर डिस्काउंट क्या आएगा? इक्वल टू मार्क प्राइस में से आपने डिस्काउंट को निकालना पड़ेगा, एक्स माइनस डिस्काउंट कितना है, 20x/100, ठीक। इसको सॉल्व कर लो, 100 को एक्स से मल्टीप्लाई करो, 100x माइनस 20x, डिनोमिनेटर में 100, 100 में से 20 निकालेंगे, 80x/100। लेकिन डिस्काउंट कटने के बाद अरुण कितना रुपया देता है? 1600 रुपया, और डिस्काउंट लगने के बाद हमें कितना आता है प्राइस, हमें 80x/100 है, तो एक अमाउंट डिस्काउंट के बाद 1600 दिया हुआ है, एक हमें यहाँ निकल गए डिस्काउंट लगने के बाद प्राइस, स्केट्स का प्राइस कीमत कितना बनता है, 18x/100। तो ये दोनों प्राइस आपस में बराबर होंगे, इसको इक्वाइट करने के बाद आपको आ जाएंगे। देखो अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो बट ही या अरुण पेस इक्वल टू रुपीज 1600, ठीक है। अरुण कितना रुपया देता है? 1600 रुपया, और ये कीमत क्या, डिस्काउंट लगने के बाद है, और डिस्काउंट लगने के बाद कीमत हमें कितना निकल गया, 18x/100, ये भी अपटू डिस्काउंट प्राइस है, ये भी अपटू डिस्काउंट प्राइस है, तो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर आ जाएंगे। अब इन दोनों को इक्वेट कर लो, सो 80x/100 इक्वल टू 1600, ये भी अरुण डिस्काउंट लगने के बाद पैसे जो दे रहे हैं वो 1600 रुपए दे रहे हैं, 1600 की 16000, हाँ 1600 है, ठीक है। यानी कि डिस्काउंट लगने के बाद अरुण कितना पैसा देता है, 1600 देता है, और डिस्काउंट लगने के बाद हमें 20% का डिस्काउंट दिया था, उसका प्राइस, प्राइस पे अगर मैं 20% डिस्काउंट लगा, इसका मतलब मार्क प्राइस में से मुझे 20% निकालना पड़ेगा, और निकाल के प्राइस कितना आया था, 80x/100, तो ये भी डिस्काउंट प्राइस आफ्टर डिस्काउंट है, ये भी प्राइस आफ्टर डिस्काउंट है, तो ये दोनों आपस में इक्वाइट करेंगे, आपको एक्स का वैल्यू आ जाएंगे, वही आपका मार्केट प्राइस है, ओके। देखो आप क्या करेंगे, 80x/100 को हम ले जाओ, मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ जाएंगे, ठीक है, और एक्स इक्वल टू 16, अच्छा 1100 1000 10000 ले 16 लेके आएगा, और यहाँ पर ये आप 80 आप नीचे लेंगे, ये जीरो है इसके साथ कट गए, 8 1 8 2 16 0 0 0, तो एक्स ये आपका आ गया 2000। तो डिस्काउंट लगने से पहले पेयर ऑफ स्केट्स की कीमत थी कितने है,
2000 है, ठीक है। दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 है, आई परचेज हेड है फॉर रुपीज 5400 इंक्लूडेड 8% VAT। VAT का मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स, यानी कि मैंने क्या किया, एक हेड डायर खरीदा कितने रुपये में, 5400 में, और इसमें मैंने इंक्लूड किया यानी VAT वैल्यू एडेड टैक्स देकर, 8% टैक्स देकर, ओके। वो प्राइस मैंने हाई डायर लाया, हाई डायर, और उस पर टैक्स ऐड करके, 8% का टैक्स ऐड करके लाया, और लाने के बाद मुझे टोटल पैसा कितना देना पड़ा, 5400 देना पड़ा, ठीक है। फाइंड द प्राइस बिफोर VAT वाज एडेड, आपने उस हायर डायर का कीमत निकालना है VAD के बगैर, ठीक है, VAD से पहले, यानी VAT से पहले, सॉरी, वैल्यू एडेड टैक्स लगाने से पहले हायर डायर की कीमत क्या था वो हमने निकालना है, ठीक है। देखो ये आसान सा है, बहुत सिंपल सा है। लेट द प्राइस बिफोर VAT वॉस एडिट इक्वल टू एक्स, ये आपने एक्स रखना है, ओके। देखो अब इस पे मैंने क्या किया था, यहां पर इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड मीन्स आपने एड किया है, यानी इसका ये VAT से पहला प्राइस इसका क्या था, एक्स। तो मैंने उस पर एक्स पर 8% VAT दिया, यानी 8% पहले उसका खाली कीमत, यानी VAT के बगैर ये हेडर की कीमत लाया, मेरा सपोज लगाऊंगा एक्स है, ठीक है, यानी कोई मार्कर है, या मैं ऐसे समझाऊंगा, ये एक मार्कर है पेन, ठीक है, और एक इसका 10 रुपये था, अगर मैं मार्केट में गया तो बोला ये इसका मार्क प्राइस VAT टैक्स के बगैर इसका प्राइस था 10 रुपया, तो टैक्स लगाने के बाद इसका प्राइस क्या बन गया, 15 रुपये बन गया। टैक्स लगाने के बाद मेरे को कितना देना पड़ेगा, 15 रुपया। सेम चीज यहीं पर है, यहां पर 8% VAT लगाने के बाद उसको पैसा कितना देना पड़ा, 5400, यहां पर VAT के बगैर एक्स है, तो यहां पर बताओ VAT कितना लगा हुआ है, VAT इज इक्वल टू 8%, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ा, 8% ऑफ एक्स, तो एड अपॉन 100, एड एक्स इंटू एक्स है, ऑफ का मतलब होता है एक, इंटू मल्टीप्लाई, आपको मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो एड अपॉन 100 इंटू एक्स मीन्स एड एक्स अपॉन 100, ये आपका पैसा कितना क्या, ये आपको क्या होता है वैल्यू एडेड टैक्स, यानी ये परसेंटेज में दिया, मैंने परसेंटेज को निकाला, और ये वैल्यू एडेड टैक्स क्या आता है, एड एक्स अपॉन 100। अच्छा, टैक्स लगाने के बाद, टैक्स लगाने के बाद, ये टैक्स लगाने के बगैर पैसे कितने थे, टैक्स लगाने के बगैर उस हेड ड्रैगर की कीमत मैंने रखा एक्स, अगर मुझे इसके बाद टैक्स लगाना है, वैल्यू एडेड टैक्स मुझे को ऐड करना है, तो क्या लिखूंगा, एड एक्स। अच्छा देखो, एक्स क्या है, टैक्स लगाने के बाद कीमत है, और एड एक्स अपॉन 100 ये टैक्स का वैल्यू है, 8% का वैल्यू मुझे क्या आया, एड एक्स अपॉन 100, ठीक है। ये लगाने के बाद टैक्स के, टैक्स पर, यानी कि ओरिजिनल कीमत पर टैक्स लगाने के बाद उसको कितना पैसा देना पड़ा, उसको पैसा देना पड़ा 5400। ये चीज समझ में आना चाहिए, एक्स आपका टैक्स के बगैर वाला कीमत है, प्लस एड एक्स अपॉन 100 ये आपका टैक्स है, ये यानी टैक्स के बगैर ये प्राइस एक्स, ठीक है, और एक्स पर मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, टैक्स ऐड कर रहा हूँ, एक्स पर मैं टैक्स वैल्यू एडेड टैक्स ऐड कर रहा हूँ, ऐड करने के बाद उसको कितना रुपया देना पड़ा, इंक्लूडिंग यानी 8% एड टैक्स देने के बाद उसको कितना रुपया देना पड़ा, 5400, तो मुझे यहाँ पर इक्वल लिखना पड़ेगा 5400, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, इज इक्वल टू 5400, ठीक। यहां से मैं कर लेता हूं, देखो 100 पे 8 ऐड करेंगे तो 108 एक्स अपॉन 100 इक्वल टू 5400। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 108 एक्स इक्वल टू, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 और बढ़ जाएंगे, अच्छा एक्स इक्वल टू 54, सीधे डिवाइड कर लो, वैसे भी आएगा, जरा मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4, 1 बच गया 2 7 14, 0 0 0।
मैं 9 से करता हूँ, देखो 9 6 54। अब यहां से मैं लिखूंगा, यहां से ध्यान से देखो, देखो यहां पर 54, मैं 9 से कर रहा हूं बेटा। नाइन सिक्स 54, 9 3 27, 03 है, 6 1 6, 6 5 30, 0 0, यहां पर 0 एक कम रह गया, सॉरी यहां पर मैंने 1 0 नहीं लिखा, ठीक है यहां पर 1 0 बटना है। तो अब एक्स यहां का एक का वैल्यू कितना आया, 5000, यानी टैक्स के बगैर हायर डेयर की कीमत क्या थी, 5000। देखो टू से टू टू से फोर, 1 बच गया, 2 7 14, 1 2 3 4 4 0 है ना। फिर यहां पर मैंने 9 से किया, 9 6 54, 9 3 27, 1 2 3 0 है, 4 0 वो लिखना है, 6 1 6, 6 5 30, तो 3 0 यहां पर बचेगा। एक्स आपको आ गया 5000। एक्स आपका किसका कीमत था, वीएटी के वैल्यू एडेड टैक्स के बगैर, यानी वैल्यू एडेड टैक्स से पहले हायर डेयर की कीमत कितने थे, 5000। दिया है आपको क्वेश्चन नंबर 10 हुआ है, इसके बाद 11 करेंगे। अच्छा क्वेश्चन नंबर 11, एन आर्टिकल वाज परचेज फॉर रुपीज 1239 इंक्लूडिंग जीएसटी ऑफ 18%। एक आर्टिकल को खरीदते हैं रुपीज 1239 रुपीज में खरीदते हैं, और इसमें इंक्लूड भी है जीएसटी भी, गुड सर्विस टैक्स भी इंक्लूड है, सेम चीज, ठीक है। फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर जीएसटी वाज एडेड, आपको वो प्राइस आर्टिकल का प्राइस निकालना है जीएसटी के बगैर, ठीक है। वो सेम वाला क्वेश्चन पहले 10 के जैसे ही है, मैं क्या करेंगे, लेट द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर जीएसटी मैं रखूंगा एक्स। अच्छा जीएसटी कितना दिया हुआ है, जीएसटी 18%, ठीक है, ओ एक्स, तो 18/100 इंटू एक्स हो गए 18x/100, ध्यान से देखेंगे। अच्छा जीएसटी ऐड करना है तो 100 एक्स प्लस मैं जीएसटी ऐड करूंगा 18x/100, तो कितना देना पड़ा, कितने में ये जीएसटी ऐड करके उसने कितने में खरीदा, 12x 39। अब इसको सोल्व कर लो, सीधा आ जाएंगे एक्स, सो एक्स प्लस 18x/100 इक्वल टू 1239, ठीक है। ध्यान से देखो, 100 पे 100 में से 100 पे 18 ऐड करेंगे क्या आता है, 118x/100 इक्वल टू 1239, 118x इक्वल टू 1239, 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 2 बढ़ जाएंगे। इसके बाद x इक्वल टू 1239 00/118, इसको आप सॉल्व कर लो, जरा मैं यहां से कर लेता हूं, 2 से मैं कर लेता हूं, 2 5 10, 2 9 18, 2 6 12, 2 1 10, 2 1 2, 1 बच गए, 2 9 18, 2 5 10, 2 0 0। अच्छा आप इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करने के बाद आपको ये बराबर 1050 के बराबर आ जाएंगे, ये आपको सिंप्लीफाई करने के बाद 1050, ये चेक भी करना, ये बराबर आ रहा है, ये चेक योर सेल्फ कि एक्स का वैल्यू 1050 आता है कि नहीं है, और ये एक्स क्या है, जीएसटी बगैर, जीएसटी के बगैर वाला प्राइस है, ठीक है। वो जो आइटम खरीदा, आर्टिकल खरीदा था जो जीएसटी एड करने से पहले, उस आर्टिकल की कीमत क्या था, 1050। ओके सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 11, एंड आई थिंक दिस वॉज लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 8.2, ठीक है। बाकी क्वेश्चन अगले वीडियो में उस पर करेंगे, तब तक खुदा हाफिज़।